बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अभी इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल इस्लामाबाद में पेश आई है, पार्लियामेंट लॉजिस पर धावा बोला गया। अंसारुल इस्लाम के वो रजाकार जो अपने एमएनएस को सिक्योरिटी देने के लिए गए थे, न उनके हाथ में कोई लाठी थी, न उनके हाथ में कोई हथियार था, न कोई वेपन था। अपने रजाकारों को अगवा होने से बचाने के लिए लॉजिस गए थे। पुलिस ने मौलाना सलाहुद्दीन के कमरे पर धावा बोलकर उनको गिरफ्तार किया है, रजाकारों को गिरफ्तार किया है। कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब अकरम खान दुरानी गिरफ्तारी पेश करने के लिए पार्लियामेंट लॉजिस की तरफ रवाना हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद गिरफ्तारी दे रहे हैं और कायदे मोहतरम ने पूरे पाकिस्तान के तमाम कारकुनों को फौरी इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म किया है। जो कारकुन जहां है, जिस सूरत हाल में है, निकले, इस्लामाबाद का रुख करे और इमरान खान को गले से पकड़कर हम वजीर आजम हाउस से निकालेंगे और किसी सूरत उसको वजीर आजम हाउस में बैठने नहीं देंगे। ये मैं हिदायत करता हूं तमाम कारकुनान को, तमाम जिम्मेदारों को। कायद जमीयत खुद गिरफ्तारी पेश करने के लिए अपने घर से लॉजिस की तरफ रवाना हो गए हैं। कायद जमीयत खुद गिरफ्तारी पेश कर रहे हैं। उन्होंने पूरे पाकिस्तान के कारकुनों को हुक्म किया है कि पूरे पाकिस्तान के कारकुनान इस्लामाबाद का रुख करें। मैं पूरे पाकिस्तान के तमाम कारकुनों को बिलखसूस और सिंध के कारकुनों को बिलखसूस कायदे जमीयत के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए ये जमात की तरफ से फैसला सुनाता हूं कि कराची से कश्मीर तक कारकुन जहां हैं, जिस सूरत हाल में है, जिस गाड़ी में है, इस्लामाबाद का रुख करें, इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़े और इंशाअल्लाहुल अजीज इमरान खान को हम गले से पकड़कर वजीर आजम हाउस से निकालेंगे। मेरे यह पैगाम को शेयर करें, जमीयत के कारकुनों तक पहुंचाएं, साथियों तक पहुंचाएं और तमाम कारकुनान कायदे जमीयत के हुक्म पर इस्लामाबाद का रुख करें, फौरन घर से निकलें। अब आपका घर में बैठना मुनासिब नहीं है। कायदे मोहतरम अपने घर से निकले हैं, लॉजिस की तरफ जा रहे हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं। कायदे मोहतरम खुद गिरफ्तारी पेश करने के लिए गए हैं और अब कारकुनों को हुक्म किया है कि पूरे पाकिस्तान के कारकुनान इस्लामाबाद का रुख करें। मैं कायदे जमीयत का यह हुक्म आप तक पहुंचा रहा हूं कि आप घरों से निकलें, इस्लामाबाद का रुख करें। हजरत सैयद अब्दुल कय्यूम हालेजवी साहब मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी कारकुनों के इस हवाले से पैगाम दें। तमाम कारकुनान से गुजारिश है कि फौरी तौर पर अभी से निकलें, क्योंकि मौलाना साहब खुद गिरफ्तारी दे रहे हैं और हम भी इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहे हैं। तमाम साथी बिलखसूस हमारे सिंध के जहां भी हैं और सफर में हैं, घर में हैं, जहां भी हैं, इस्लामाबाद का रुख करें। मैं तमाम साथियों से उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जमात के हुक्म को लब्बैक कहते हुए आप इंशाल्लाह निकल पड़ेंगे। कल तक हमें ज़रूर सुबह को पहुँचना है इस्लामाबाद। हिम्मत करें कारकुनान, तमाम कारकुनान हिम्मत करें। हजरत कायद मोहतरम खुद गिरफ्तारी देने के लिए पार्लियामेंट लॉजिस की तरफ चल पड़े हैं। अंसारुल इस्लाम बगैर लाठी के गई थी, बगैर बंदूक के गई थी, अपने एमएनएस को सिक्योरिटी देने के लिए गई थी। न उन्होंने पुलिस चौकियों पे कब्जा किया, न लॉजिस पे कब्जा किया। वो अपने एमएनएस के कमरों में मौजूद थे, उनके घरों में मौजूद थे। वहां एमएनएस के कमरों को तोड़कर, दरवाजे तोड़कर हमारे एमएनएस को गिरफ्तार किया गया है, रजाकारों को गिरफ्तार किया गया है। कायद जमीयत खुद गिरफ्तारी देने के लिए अपने घर से रवाना हो गए हैं और उन्होंने हुक्म किया है कि फौरी तौर पर पूरे पाकिस्तान के कारकुनान इस्लामाबाद का रुख करें। मैं दरखास्त करता हूं सिंध के तमाम गैरतमंद जमीयत के कारकुनों से, जिन्होंने कस्में खा रखी थी कि हम जान की बाजी लगाएंगे, जान की बाजी का वक्त आ गया है, चलें इस्लामाबाद, इमरान खान को लाजिस से घसीट कर पार्लियामेंट हाउस से निकालेंगे, वजीर आजम हाउस से निकालेंगे और अब एवें सही तो एवें ही सही। वस्सलामु अलैकुम, इस्लामाबाद में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। इनकी वीडियो बनाए इस पुलिस वालों की वीडियो, मीडिया वाला बनाओ तो इनकी वीडियो। ये घर के अंदर दाखिल हुए और इधर ये घर के अंदर बगैर इनके पास कोई फीमेल स्टाफ भी नहीं है, ये घर के अंदर एंटर हुए, इनकी वीडियो बनाए, पूरे पाकिस्तान को दिखाए कि ये शेख रशीद और इमरान नियाज़ी क्या बदमाशी कर रहे हैं। इनको लगा इनके वारंटी लेके आया, इनको बताया गया है कि एक सेकंड सर, जी 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 हमें ये बताया गया है कि यहाँ कुछ लोग हैं
असल में हम बैठे हुए थे अपने लॉज में मीटिंग कर रहे थे अयाज सादिक साहब के पास, तो मालूम हुआ कि पुलिस सेंटर हो गई है अंदर और इन्होंने इस लॉज को घिरा हुआ है, लॉज नंबर 401 को। हमने इन्हें कहा तो ये कह रहे हैं कुछ लोगों के वारंट्स हैं जिनका ताल्लुक शायद JUI की किसी तंजीम के साथ है। तो मैंने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉजिज में आप इस तरह एंटर नहीं हो सकते और अगर किसी के पास कोई वेपन है तो आपका हक है, फिर भी चेक कर लें। तो बहरहाल वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, बातचीत हो रही है। बहरहाल ये इलीगल है और ये नो कॉन्फिडेंस की मोशन के इस मामले में लोगों को ये हैरस कर रहे हैं। हम अंदर जा रहे हैं, अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है सर।